Welcome students of standard 11 to my channel Rajiv Mantri Maths and Science Academy. तो आज आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन का अगला पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, बहुत वास्ट है। गेटिंग लास्ट टाइम क्या किया था हमने? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्क समझ में आया? एक्साइट डायरेक्ट दिया हुआ था, उसके फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है। अभी जो एक्सा है वो बीच में कोई भी नंबर है। ओके, ये कंटिन्यूस क्लास है। सपोज 0 to 10 की 14 नंबर है, 10 to 20 के बीच कोई भी नंबर हो 13 नंबर है, 20 और 30 के बीच में कोई भी 27 नंबर्स है। क्लास बनाया हमने, क्लासिफाइड डेटा बनाया है, अभी उसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ओके, तो ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं और चालू करते हैं कैलकुलेशन। ओके, बड़ा डेटा भी आ सकता है, मैं छोटा डेटा कर रहा हूँ, पर कोई डाउट है तो पूछ लेना। मेथड सेम है, सिर्फ डेटा बढ़ेगा। गेटिंग? सिर्फ डेटा बढ़ेगा, बाकी मेथड सेम है। गेटिंग? तो चलते हैं आगे, वो चलो बढ़ते हैं। पेन चाहिए? आ गया पेन, वाह, स्टार्ट। ओके, ये सम दिया हुआ है 0 to 10, 14, 10 to 20, 13, अरे कोई भी नंबर हो सकता है, 13, 15, 17, 13 नंबर है टोटल। ओके, 30 से 40 के बीच 21 नंबर है, 40 और 50 के बीच 15 नंबर। एक्सा यानी कि क्लास मार्क, मिड पॉइंट चाहिए। 0 to 10 क्या है? 5। ओके, 10 to 20 क्या है? 15। 20 to 30 25, 30 to 40, 35। मालूम है ना क्लास मार्क कैसे निकलते हैं? 10 + 10 = 2। मिड पॉइंट चाहिए हमें 40 और 50 का। क्या है मिड पॉइंट? 45। ओके, अभी यूआई निकालना पड़ेगा। यूआई याद है, स्टेप डिवीजन मेथड। यूआई हम कैसे निकलते हैं? कोई भी इसको हम ए ले लेते हैं, चलो ये है अपना ए, 25, क्योंकि वो 0 आएगा। अभी जो x है, x माइनस a, मतलब हर एक x को 25 सब्ट्रैक्ट अपॉन 10, 10 है हमारा h, h है 10 क्लास। ओके, क्लास इंटरवल है 10। ओके, तो 5 - 25 / 10, 5 - 25 - 20 / 10, तो -2। d से और छोटा होता है u, कैलकुलेशन और इजी। 15 - 25 - 10 / 10, -1, ये तो 0, 25 - 25 / 10, 10 क्लास इंटरवल है। ओके, 35 - 25 / 10, तो 1 हो गया। 45 - 25 / 10, तो 2 हो गया। ठीक है, अभी हमें चाहिए fi into ui, 14 - -2 हो गया -28। ओके, 13 - -1 हो गया -13, 27 - 0 हो गया 0, 21 - 1, 15 - 2, तो 21, 30। ओके, एफ आई यू आई का सिग्मा चाहिए हमें, सिग्मा एफ आई यू आई। वाह, कितना इजी आ गया। ओके, अच्छा एफ आई का भी सिग्मा चाहिए हमें, उसको हम क्या बोलते हैं? एन, एन। ओके, सिग्मा एफ आई मतलब एन, 14 - 20 = 90 हो गया। ठीक है, ओके चले, अभी एफ आई यू आई स्क्वायर चाहिए हमें, एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर, -2 का स्क्वायर तो +4 है, 14 × 4 = 56, -1 का स्क्वायर तो 1 है, तो 13 * 1 = 13, ये तो 0 ही आएगा। ओके, तो एफ आई 21 * 21 * 1 तो 21 आएगा, 15 * 4 तो आएगा 60, हो गया सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर।
कितना आता है? वन फिफ्टी आ गया। ओके, तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। एच है हमारा 10। ओके, वायर एक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, बाद में रूट निकलते हैं सिंपल। तो वायर एक्स का क्या है फॉर्मूला? स्टेप डिवीजन के लिए हम यूज कर सकते हैं एच स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर 1/n सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस राउंड ब्रैकेट 1/n सिग्मा एफ आई यू आई। ये हमारा यू बार था ना, जब हमने मीन के वीडियोस बनाए थे ये यू बार था, तो यू बार स्क्वायर हमने पूरा फुल लिख दिया। ओके, तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर हो गया, 100 है वो, ठीक है। 1/n 1/90 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर दैट इज 150 है। ओके, 150 है माइनस राउंड ब्रैकेट 1/n अगेन सिग्मा एफ आई यू आई ब्रैकेट स्क्वायर, सिग्मा एफ आई यू आई है 10 हो गया। ओके, तो अभी इक्वल टू 100 इन ब्रैकेट फाइव अपॉन थ्री माइनस 1/9 का स्क्वायर 1/81 तो दैट इज इक्वल टू 405 माइनस 3 अपॉन 81 ये 100 तो 402 दैट इज इक्वल टू 40200 अपॉन 81 कट कर सकते हैं और भी, हाँ मगर ठीक है। लॉग मैं करने जा रहा हूँ, मेरा लॉग वीडियो देखना मत भूलिएगा। या ऐसे ऐसे कैलकुलेशन हम लॉग से कर सकते हैं, लॉग अभी बहुत जल्द चालू हो रहा है, सब्सक्राइब करो, देखते रहिए। ओके, तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेट? कुछ आएगा पॉइंट समथिंग, ठीक है। हाँ, अभी वायर एक्स आ गया हमारा 165 अराउंड फिगर में कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन है रूट वायर एक्स रूट 165 पॉइंट होगा समथिंग। हम करेंगे लॉग से कैसे करते हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगले सीरीज में। ओके, अभी हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन वाली 12.1 कैसे आना चाहिए, क्योंकि नहीं 12.169 तो 13 का है, 12.9 के आसपास जाना चाहिए। अप्रोक्सीमेट मैं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉग से हम लॉग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अभी क्या मैं जल्दी जल्दी आपको शॉर्टकट से दे रहा हूँ आंसर। ओके, तो मिलते रहेंगे, हर एक वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करेंगे 90% लेके आएंगे। सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट। ओके, बाय।